ओके दोस्तों, तो ये है पोको F6 और इसमें कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा अपडेट आया जिसके बाद से हमें इसमें इंटरकनेक्टिविटी का फीचर मिल गया। तो मैं इसे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ एंड मैं सच में बताऊँ ये ऑसम है। हालांकि इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स होना बाकी है, कुछ और इंप्रूवमेंट्स हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन कैसे काम करता है ये इंटरकनेक्टिविटी फीचर और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एंड किस तरह से ये वर्क करता है ये भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले चीज, ये फीचर इस्तेमाल करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, बेसिकली कोई ऐसा फोन जिसमें इंटरकनेक्टिविटी का फीचर हो और कोई ऐसा टैबलेट जिसमें इंटरकनेक्टिविटी का फीचर हो। तो मेरे पास Xiaomi Pad 6 एंड Poco F6 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। आपके पास हो सकता है Xiaomi Pad 5 उसमें भी है, या फिर हो सकता है कि Xiaomi Pad 6 हो लेकिन फोन हो सकता है कि ऐसा ना हो जिसमें इंटरकनेक्टिविटी फीचर ना हो, तभी के लिए फिलहाल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर फोन में है आपके, चाहे Xiaomi 14 हो, Redmi हो, Poco, तो फिर काम करेगा। सो सबसे पहली चीज, दोनों ही फोन में और टैबलेट में Xiaomi का अकाउंट साइन इन होना चाहिए। तो अगर आपने Xiaomi का अकाउंट नहीं बनाया तो बना लीजिए और साइन इन कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, जब भी आप अकाउंट में साइन इन कीजिए तो ईमेल आईडी से मत कीजिए, क्योंकि जब मैं सेटअप कर रहा था Poco F6 और Xiaomi Pad 6 में इंटरकनेक्टिविटी का फीचर, तो जब मैं ईमेल से साइन इन कर रहा था तो पता नहीं क्यों यहां पे इंटरकनेक्टिविटी का फीचर काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने सिम कार्ड के नंबर से साइन इन किया तो इंटरकनेक्टिविटी का फीचर काम करने लगा। साइन इन करने के बाद सिंक वगैरह को ऑन रखिए, फाइंड डिवाइस वगैरह को ऑन रखिए ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए, एंड नाउ यू आर रेडी टू यूज इंटरकनेक्टिविटी फीचर। तो आपको क्या करना है, फोन में और टैबलेट में दोनों में आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आपको इंटरकनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करना है एंड Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी का जो पहला ऑप्शन है उसे इनेबल कर देना है। दोनों में ही, फोन में भी एंड टैबलेट में भी इंटरकनेक्टिविटी को इनेबल कर दीजिए। उसके नीचे आपको ऑप्शन आएगा होम स्क्रीन प्लस, उसे इनेबल रखिए, क्लिपबोर्ड उसे भी इनेबल रखिए, नोटिफिकेशंस उसे भी ऑन रखिए, नेटवर्क सिंक का ऑप्शन आएगा उसे भी ऑन कर लीजिए। बाकी एक और एडवांस ऑप्शन है जो कि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, वो ये है कि आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में एंड आपको सबसे नीचे मिल जाएगा Xiaomi स्मार्ट हब का ऑप्शन। तो ये टैबलेट में भी एंड यहाँ पे फोन में भी दोनों में Xiaomi स्मार्ट हब को इनेबल कर लीजिए। तो स्मार्ट हब को आपने एक बार इनेबल कर लिया, अब आपको ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की ओर ड्रैग डाउन करना है एंड यहां पे आपको Xiaomi स्मार्ट हब में आपके डिवाइस वगैरह शो करेगा। तो आपको इस 3-डॉट बटन पे टैप करना है एंड यहां पे आपके डिवाइसेस दे देगा। जैसे कि यहां पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहा है, Poco F6 एंड Xiaomi Pad 6 एंड आप ये दोनों ऑप्शन दोनों में ही देख सकते हैं। Xiaomi Pad में भी आपको Poco F6 का ऑप्शन मिल जाएगा एंड Poco F6 में भी आपको Xiaomi Pad 6 का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको टैबलेट में यहां पे फोन का स्क्रीन देखना है तो आपको अपने टैबलेट में टैप करना है Poco F6 पे। जैसे ही आप Poco F6 पे टैप करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप उस डिवाइस को साउंड करना चाहते हो, विच मींस कि जैसे ही आप साउंड पर टैप करोगे तो आपका जो Poco F6 है वो अलार्म बजने लगेगा जिससे आप उस डिवाइस को फाइंड कर सकोगे। तो एक तरह का फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है एंड ये उल्टा डायरेक्शन में भी कर सकते हो, विच मींस कि आपने फोन में यहां पे साउंड किया Xiaomi Pad 6 पे एंड आपका टैबलेट बजने लगेगा। तो कभी खो जाता है तो उसके लिए ऑप्शन है कि चलो ये कर सकते हो। बाकी दूसरा जो ऑप्शन मिलता है यहां पे शो स्क्रीन का, तो Poco F6 में अगर आप देखोगे शो डिवाइस स्क्रीन पे टैप करोगे तो उसके बाद आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, वो परमिशन इनेबल कर दीजिए एंड पूछेगा कि क्या आपको हमेशा परमिशन लेना है। तो अगर आप ज्यादा अच्छे सिमलेस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो जी हाँ, यस कर दीजिए कि हमेशा इसको अलाउ ऑल कर दीजिए कि हमेशा इसको परमिशन मिलते रहे एंड उसके बाद आप देख पाओगे कि Xiaomi Pad 6 के स्क्रीन पे साइड में आपको यहां पे आपके Poco F6 का यानी कि आपका जो भी डिवाइस होगा उसका स्क्रीन देखने लगेगा एंड फिर आप वहीं से डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो फोन का स्क्रीन। आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो, जब तक आपका फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा फिर भी आप अपने फोन के कंटेंट को डायरेक्टली वहीं से देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं, होम स्क्रीन पे जैसे आप टैबलेट में काम करो आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो होम स्क्रीन को स्वाइप करके राइट के कॉर्नर में डाल सकते हो, वो छोटा सा आइकन बना हुआ रहेगा। टैबलेट में आपने इस्तेमाल किया, अब वापस से आपको फोन का स्क्रीन देखना है तो वापस से आप उस पर क्लिक करोगे एंड आपका फोन का स्क्रीन यहाँ पे खुल जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट कॉपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपको टैबलेट में आपने कुछ आर्टिकल लिखा है, आप चाहते हो वो फोन में कॉपी हो जाए, तो डायरेक्टली टैबलेट में आप उस आर्टिकल को कॉपी करो एंड फोन के नोट्स में जाकर के डायरेक्टली पेस्ट कर दो। जी हाँ, ये क्रॉस डिवाइस काम करता है। आप चाहो तो फोन में टेक्स्ट को कॉपी करो वेब ब्राउजर पे कहीं भी एंड टैबलेट में जाकर के नोट्स में पेस्ट कर दो। लेकिन मैं बताऊं कि ये मोस्टली चीजें अभी नोट्स में ही काम करती है या नोट्स वाले ऐप्स में ही काम करती है, ये हर जगह मोस्टली चीजें काम नहीं करती है। लेकिन फिर आता है यहाँ पे इमेज कॉपी करने का ऑप्शन। इमेजेस कॉपी करने के लिए आपको सिंपली फोन का स्क्रीन टैबलेट में खोलना है एंड गैलरी खोल देना है एंड टैबलेट में भी गैलरी खोल देना है, तो एक ही एप्लीकेशन रहेगा
विच मीन्स एक ही जैसा सिमिलर एप्लीकेशन रहेगा तो ये काम करेगा। तो गैलरी टू गैलरी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर नोट्स टू नोट्स आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, या फिर फाइल मैनेजर टू फाइल मैनेजर आप फाइल्स कॉपी कर सकते हो। तो बस आपको उन इमेजेस को सिलेक्ट करना है जिसे कॉपी करना है एंड उसे उठा करके दूसरे गैलरी में रख देना है तो वो पेस्ट हो जाएगा। या फिर फाइल्स में आपको वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है जिसे कॉपी करना है एंड उठा करके दूसरे फाइल्स ऐप में यानी कि टैबलेट के फाइल्स ऐप में रख देना एंड वो कॉपी हो जाएगा। क्वाइट ईजी। सो बेसिकली क्या है कि ये जो हाइपर ओएस काम करता है इंटरकनेक्टिविटी का फीचर, ये थोड़ा सा लो बैंडविथ पे काम करता है, वाईफाई के जरिए काम करता है और आपको अपना ब्लूटूथ भी ऑन रखना है। ये मैं बताना भूल गया था कि आपको अपना ब्लूटूथ भी ऑन रखना है। तो जी हाँ, लो बैंडविथ पे काम करता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ पे, इसलिए आप थोड़ा सा स्क्रीन में जिटर्स एंड स्टटर्स देख पाओगे जब टैबलेट में आप अपना फोन का स्क्रीन इस्तेमाल करोगे। बट स्टिल मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा इंप्लीमेंटेशन है। एक तरह से आपको यहाँ पे स्मार्ट हब मिल जाता है जिससे आप अपने फोन के स्क्रीन को देख पाओगे टैबलेट में एंड फोन के सारे कंटेंट को एक्सप्लोर कर पाओगे, फोन के वीडियोस को या सॉन्ग्स को भी सुन पाओगे। जी हाँ, तो ये एज सिंपल एज डैट यहाँ पे काम करता है, विच इज रियली नाइस। सो यस, ये सारी कुछ चीजें हैं Xiaomi के इंटरकनेक्टिविटी में और ये कुछ इस तरह से काम करता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहां तक बात है लैपटॉप में, तो अभी तक मैं इसे लैपटॉप में इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ क्योंकि Xiaomi के लैपटॉप सभी इंडिया में बंद हो चुके हैं एंड आई डोंट थिंक कि पुराने सॉफ्टवेयर के साथ वो यहाँ पे काम करेगा। तो आई होप कि Xiaomi लैपटॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर ही लॉन्च कर दे जो किसी भी लैपटॉप के साथ हम इंटरकनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर पाए। अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये थी कुछ फीचर्स अभी के लिए। आई होप कि आपको ये फीचर्स अच्छे लगे हो। आई होप कि आपको हमारे ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पर लाइक शेयर करना कीजिए। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।